हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आवाम को झूठ की दलदल में धकेलने वालों की सियासत का सूरज अब गुरूब होने वाला है। गड़ी खुदा बख्श में धुआंधार खिताब। पीछे हटने वाला नहीं, जुल्म और ज्यादती का मुकाबला करूंगा। नवाज शरीफ भी डट गए, कहा खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान पर रहम करो, हर जुल्म और ज्यादती और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ूंगा। करप्शन और कमीशन पर लानत भी भेजी, साथ ही आवाम से वादा भी लिया, कहा कहीं से भी पुकारूंगा तो क्या साथ दोगे। नवाज शरीफ की चीफ जस्टिस पर एक बार फिर तनकीद, कहा लोग नस्लों से फैसलों का इंतजार कर रहे हैं और चीफ जस्टिस दूध की क्वालिटी चेक कर रहे हैं, पार्लियामेंट और मुकन्निना की कोई जरूरत नहीं, सारा काम चीफ जस्टिस के हाथ में दे देना चाहिए। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्जर, मिलकर हमें इस मुल्क के दफा को सद के दिल से हमें उसकी हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये बड़ी लाजवाब बेमिसाल कुर्बानी है। शहबाज शरीफ फौज के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म, आर्मी चीफ की भी तारीफ, कहा जनरल कमर बाजवा खरे आदमी हैं, सीधी बात करते हैं। चौधरी निसार को पार्टी का अहम रहनुमा करार दिया, सबको पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की हिदायत कर दी। वोट को इज्जत दो मुहिम आवाम ने अपने सर ले ली है। मरियम नवाज का फैसलाबाद में खिताब, कहा ये नाअहली नहीं वोटर्स की इज्जत का मामला है, अब कोई साजिश कामयाब होने नहीं देंगे। वजीर आजम का फैसला किसी इदारे को नहीं आवाम ने करना है। मरियम नवाज के बाद नवाज शरीफ का भी शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत बराह रास्त नशर करने का मुतालिबा। मरियम नवाज कहती हैं सच कौम के सामने आना चाहिए। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा व्हाट्सएप पर तैयार हुआ, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। तहरीक इंसाफ का खैर मकदम, देर आए दुरुस्त आए, शायद मियां साहब को पता चल जाए उन्हें क्यों निकाला। फवाद चौधरी का तंज। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत, वकील ख्वाजा हारिस के वाजिद जिया से ताबड़तोड़ सवालात, नैब प्रोसिक्यूटर का इतराज, सच उगलवाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, वकील का जवाब जरा कल दोबारा होगी। फैसलाबाद में नन्नी मुबशरा और तालिबा आपदा के कातिल ना पकड़े जा सके, अवाम का आज भी एहतजाज और रैली, आईजी पंजाब की मुतासरीन के घर आमद, कातिलों को इंसाफ के कठहरे में लाने की यकीन दहानी। कराची कोरंगी में बच्चियों से मुबैना रेप का मुलजिम शहरियों के हत्थे चढ़ गया, पुलिस के हवाले, मोबाइल फोन से बच्चियों की फोहश वीडियो बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर में जाली पीर की शैतानी हरकत, शाहदरा में 10 साल की बच्ची से रेप, पुलिस ने मुलजिम को धर लिया, मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की काविशों में मुकम्मल तौर पर इनके साथ हैं। कश्मीरियों की आवाज जबर से दबाना भारत का नाकाम एजेंडा है, वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली और कश्मीर कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका इजलास से खिताब, कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी में शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ समेत अस्करी क़ियादत की भी शिरकत,
मकबूजा कश्मीर में हालिया संगीन भारतीय मजालिम की शदीद मजम्मत की। बहादुर कश्मीरियों के जज्बे को खराज तहसीन पेश किया। भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का पर्दा एक मरतबा फिर चाक हो गया। ऐलानिया जारी। मकबूजा कश्मीर में होने वाले कत्लेआम के खिलाफ फजा आज भी सोगवार। शोपियां बाद से खौफजदा काबिज भारत ने वादी चनार को जेल खाने में बदल दिया। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को हिरासत में ले लिया। मीर वाइज ने मोदी को कश्मीरी नौजवानों के कत्लेआम का जिम्मेदार करार दिया। आलमी इदारों से भारतीय मजालिम बंद कराने का मुतालबा। लेकिन सियासतदान उनके हाथ पांव क्यों बांधे जाते हैं? कमेटी का इजलास नहीं होता, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है उसके भी तो इजलास साल में कोई एक दफा होता है। कभी सवाल उठाया है कि फौज की इतनी अहम कमेटी का इजलास क्यों नहीं होता? कश्मीर कमेटी पर तनकीद, मौलाना फजलुर रहमान भड़क उठे। मसला कश्मीर जल्द हल करने पर सियासतदानों के हाथ क्यों बांधे जाते हैं? ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का इजलास ना होने पर सवाल क्यों नहीं किया जाता? आज तक तय ना हो सका कश्मीर का हल फौजी है या सियासी। इस्लामाबाद में गुफ्तगू। आलमी बरादरी दुनिया के दुश्वार तरीन इलाके में लड़कर दिखाए। नासिर जंजुआ की ललकार, अफगान जंग में अमेरिका का साथ दिया इसलिए तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया। दहशतगर्दों को रोकने के लिए फाटा में फौज तैनात करना पड़ी। मुल्क की मसाइल का हल जर्नैलों और करप्ट सियासतदानों के पास नहीं। सिराजुल हक की तनकीद, खत्म नबूवत मामले पर राजा जफरुल हक की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का एक बार फिर मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने 90 करोड़ रुपए से जायद के इश्तेहारात दिए। लोड शेडिंग खात्मे का इश्तेहार भी है। क्या लोड शेडिंग खत्म हो गई? चीफ जस्टिस का सवाल। अंधेरे बरकरार हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इतराफ। नैब के बड़े फैसले, चेयरमैन ने लीगी रहनुमा अमीर मकाम की आमदन से जायद असासों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। रुकने कौमी असेंबली अमीर जमान अब्दुल मालिक काकड़ और डिस्ट्रिक्ट नाजिम पेशावर के खिलाफ भी तहकीकात होंगी। हमजा शहबाज के कहने पर चेयरमैन शेख जैद अस्पताल को तौसी दी जा रही है। क्यों ना अस्पताल का कंट्रोल खुद संभाल लें? अस्पताल में खिलाफ कानून तायुनाती केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सेक्रेटरी सेहत ने जेर इल्तवा केसेस को फरीद खान की तौसी की वजह करार दे दिया। अदालत का लाहौर हाई कोर्ट को जेर इल्तवा केसेस 1 हफ्ते में निपटाने का हुक्म। चीनियों का पाकिस्तानी एहतजाज, बगैर सिक्योरिटी जाने की इजाजत क्यों नहीं दी? कबीरवाला में चीनी इंजीनियर्स गुस्से में आ गए। पुलिस अहलकारों से तल्ख कलामी के बाद सड़कें ब्लॉक कर दी। आज न्यूज ने रिपोर्ट चलाई तो कल की छोटी सी दुनिया सरकार को नजर आई। डिप्टी कमिश्नर ने मुश्किलात दूर करने की यकीन दहानी कराई। डेटा तरतीब देने का हुक्म, पस्त का दफरा को मुलाकात की दावत भी दे दी। कमाल की डोर, एमक्यूएम की एक और पतंग का बोकाटा। रुकने कौमी असेंबली मुजम्मिल कुरैशी साथियों के हमरा पाक सरजमीन पार्टी में दाखिल हो गए। मुत्तहिदा में इंतशार को जमात से अलहदगी की वजह करार दिया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी, तुर्बत और डेरा बुक्ती में मुकाबला। एफसी अहलकार इरफान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए।
तर्जुमान पाक फौज का बयान। कराची पुलिस नाकाम, क्रिमिनल्स बेलगाम। मार्च के 31 दिन में 30 अफराद कत्ल, 4000 से जायद अफराद मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलों से महरूम। सीपीएलसी ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम, पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान से सबूत पेश करने का मुतालिबा। पार्टी मैदान में निकल चुकी, शरीफों से सियासत छीन कर दम लेंगे, अगली बार पंजाब का वज़ीर-ए-आला भी न बनाने का चैलेंज दे दिया। कहा, आपने हमेशा पीठ में छुरा घोंपा, 40 साल का हिसाब देना होगा। मुझे पता है कि मियां साहब का बर्दाश्त का मादा कितना है और ये बर्दाश्त कर नहीं सकते। अब तो ये इस जिसे कहते हैं ना कि कबा जो है वो दो टांगों से फंसा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था लाहौर में मोची गेट पे खड़े होके कि हम आपकी हुकूमत जब चाहें तब हम गिरा सकते हैं। 6 महीने पहले मैं कह चुका था कि मैं आपको चेयरमैन सेनेटशिप नहीं लेने दूंगा। बात समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे नहीं लेने देगा। जब वक्त आया तो फिर इन्हें रजा रबानी की झोली में डाल दिया। मियां साहब तुहाडे कोलों पूछण गे, ए मैं तुहानू दस रहा, हमेशा आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके हमारी पीठ में छुरा घोंपा, तो आप तैयार हो जाएं एक लंबे मुकाबले के लिए। हमें तो प्रैक्टिस है लंबे मुकाबलों का, आपको नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी। हम किसके साथ भी मिलके हुकूमत बनाएं, आपके साथ नहीं बनाएंगे। इंशाल्लाह इस दफा चीफ मिनिस्ट्री भी आपको हम नहीं लेने देंगे। पंजाब की याद रखिएगा, आप सियासत को नहीं समझते, आप मुगलिया शहनशाह हैं। ये सियासत छोड़ दें और कोई तरीका नहीं, और इंशाल्लाह आपसे पीपुल्स पार्टी सियासत छुड़ा के रहेगी, एक दिन आके रहेगा। आसिफ अली जरदारी ने क्या कहा ये तो आपने जाना। अब आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ और इमरान खान को मुनाफिकों का टोला करार दिया। लड़काना में खिताब के दौरान कहा कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने का दावा करने वालों की सियासत का सूरज अब गुरूब होने वाला है। उनका कहना था कि एक के हाथ में मुनाफिकों का परचम है तो दूसरा यू टर्न के घोड़े पर सवार है। दोनों की मंजिल झूठ और फरेब है। नवाज शरीफ इमरान खान से लड़ रहा है और इमरान खान नवाज शरीफ से लड़ रहा है। ये दरअसल सियासी सरमायेदारों की जंग है, ये मुनाफिकों की जंग है। मगर क्या ये दोनों बताएंगे कि निचली सतह तक गुर्बत दूर करने के लिए इन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया है? एक के हाथ में शहीदों का परचम है, दूसरे के हाथ में फरेब और झूठ का झंडा है। एक तीसरा भी है जो मुनाफिकत के घोड़े पर बैठकर पीछे तोड़ा चला आ रहा है और उसके झंडे पर यू टर्न लिखा है। याद रखो, ये उनका आखिरी और मेरा पहला इलेक्शन होगा। मुझे फिक्र अमन आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गुरूब होने वाला। अब आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का कहना है कि पीछे हटने वाला नहीं हूँ, डट कर मुकाबला करूंगा, हर जुल्म और ज्यादती और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ूंगा। उन पर एक रुपए की करप्शन भी साबित ना हो सकी। वो करप्शन और कमीशन पर लानत भेजते हैं। उन्होंने अवाम से वादा भी लिया कि क्या अगर वो अवाम को पुकारेंगे तो उनका साथ देंगे। मैं ऐसी रुपए पे लानत भेजता हूं, मैं कमीशन पे, किकबैक पे, करप्शन पे, मैं जान से भी दूंगा।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बात हो रही है तो आपको बताएं कि नवाज शरीफ को रोज़ रोज़ की अदालती पेशियां बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए उनके लहजे में भी खासी तेज़ी आ रही है। आज तो उन्होंने बराह रास्त चीफ जस्टिस को तनकीद का निशाना बनाया। पेशियों पर पेशियां नवाज शरीफ से बर्दाश्त न हुई, अदलिया मुखालिफ बयानात में तेजी आ गई। चीफ जस्टिस पर तनकीद करते हुए कहा, लोग नस्लों से फैसलों का इंतजार कर रहे हैं और चीफ जस्टिस दूध की क्वालिटी चेक कर रहे हैं। पार्लियामेंट और मुकन्ना की कोई जरूरत नहीं, सारा काम चीफ जस्टिस के हाथ में दे देना चाहिए। गैर रस्मी गुफ्तगू में बलूचिस्तान में तब्दीलियों को निशाना बनाया तो अपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि इमरान खान बताएं क्या उनके लोगों ने तीर के निशान पर मोहर नहीं लगाई। इस मकरूह खेल में इमरान खान और आसिफ जरदारी बराबर के शरीक हैं। मौसम की शिद्दत के साथ मरियम नवाज के लहजे की हिद्दत भी बढ़ती ही जा रही है। समंदरी में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुंतखब वजीर आजम का फैसला करना किसी इदारे का नहीं बल्कि अवाम का काम है। जो अवाम के वोट से हुकूमत में आए उसे खिदमत के लिए पूरे 5 साल मिलने चाहिए। इस बार सिर्फ वोट ही नहीं देना बल्कि वोट पर पहरा भी देना है। और नाज़रीन, अक्सर जलसों में आपने देखा होगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर्चियाँ पढ़ते दिखाई देते हैं, लेकिन नवाज शरीफ को ये पर्चियाँ लिखकर कौन देता है? आज न्यूज़ ने इसका पता लगा लिया। मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ को ये पर्चियाँ लिखकर देती हैं जिन पर अहम पॉइंट्स होते हैं। नवाज शरीफ अपने खिताब के दौरान यही अहम पॉइंट्स उठाते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई में लाख इख्तलाफात सही, लेकिन एक इशू ऐसा है जिस पर दोनों जमातें साथ खड़ी नजर आ रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मौकिफ की तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने हिमायत कर दी है। मौकिफ है क्या, जानिए इस रिपोर्ट में। अदालती फैसलों और मुकदमात पर शिकवे शिकायतें करने वाले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने नई ख्वाहिश का इजहार कर दिया। काश के ये मुकदमा जो चल रहा है ये बराह रास्त टेलीविजन के ऊपर दिखाया जाता। मैं तो चाहता हूँ बराह रास्त कौन जिसको टेलीविजन के ऊपर देखे ताकि पाकिस्तानी अवाम भी इसके गवाह रहे कि इस मुकदमे में है क्या। मरियम नवाज ने भी ट्विटर पैगाम पर यही मुतालबा किया है कि मुकदमे की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए ताकि कौम को सच का पता चल सके। पीटीआई ने भी लीगी रहनुमाओं के मुतालबे की हिमायत कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं शायद अदालती कार्रवाई लाइव नशर होने से नवाज शरीफ को इल्म हो जाएगा कि उन्हें क्यों निकाला। के मुताबिक 100% मुतफिक हूँ और इससे पहले हमने ये कहा था जीआईटी की प्रोसीडिंग जो है वो बराह रास्त दिखाई जाए। हमने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग बराह रास्त दिखाई जाए क्योंकि ये कोई किसी का जाती केस नहीं है, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों का केस है। लेकिन मसला ये है कि ये पीएमएलएन वाले एक दिन कहते हैं दिखाई जाए, अगले दिन बदल जाते हैं। मुकदमात की लाइव कवरेज के इशू पर देखें क्या सामने आता है, लेकिन फिलहाल तो इस मामले पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में इत्तेफाक नजर आ रहा है।